मामूल की तरह पिंडदादन खान में भी ईद उल अज़हा के करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए आवाम ने छुरियां टोके तेज़ करवाने के लिए छुरियां तेज़ करने वाली दुकानों का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे उल्फत बलोच से, जो इस टाइम एक दुकान में मौजूद हैं। जी उल्फत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ईद उल अज़हा के करीब आते ही पूरे मुल्क की तरह पिंडदादन खान में भी छुरियां टोके तेज़ करवाने का रश बढ़ गया है। मैं इस टाइम एक शॉप पे मौजूद हूँ। मज़ीद वहाँ जानते हैं शहरियों से कि जो छुरियां टोके तेज़ करवाने आए हैं, और मज़ीद दुकानदार से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। चलो, छुरियां टोकों का हर साल बड़ा ही रश होता है, तो हूँ तो स्पैशली ईद का मौका है, तो छुरियां टोकों का इतना रश है कि हर बंदे की कोई वारी नहीं आ रही। ठीक, छुरी टोके जो हैं वो तेज़ करवाने हैं, और बहुत ही करीब है ईद उल अज़हा, जिस पे हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करना है। और ये भी सुन्नत है कि जो हथियार ज़बह करने के लिए तैयार किए जाते हैं वो तेज़दार होने चाहिए, ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो, और अल्लाह ताला हमें और भी मज़ीद जानवर को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, इनको कहना था कि ईद उल अज़हा के करीब आते ही दुकानों पे रश बढ़ जाता है, और गाहकों का कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी के लिए वैसे भी सुन्नत है कि छुरियों टोके तेज़ करवानी चाहिए, ताकि जानवर को ज़बह करते हुए तकलीफ़ ना हो। जी।